हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देखिए मैरीगोल्ड का प्लांट है जिसे मैंने 1 महीना पहले रिपोर्ट किया था। इसका रिपोर्टिंग वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके साथ मैंने 2 और प्लांट्स को रिपोर्ट किया था, जो एक पोर्टुलका का और एक बेली का था, तो उसका भी अपडेट मैं किसी और दिन दे दूंगी। तो फिलहाल आज मैं मैरीगोल्ड के बारे में अपडेट दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जब इसे रिपोर्ट किया था तो बिल्कुल सिंपल विधि से किया था। उसमें कुछ मैंने फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा नहीं मिलाया था, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही डाला था। आप चाहे तो उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कितने सारे फूल और कलियाँ लगे हुए हैं, ये चारों तरफ से घुमा करके मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं। दोबारा फर्टिलाइजर डालने का मौका मिला भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि रिपोर्टिंग के 1 महीने बाद मैं फर्टिलाइजर डालती, उस समय तक जो है बारिश शुरू हो चुका था। बारिश तो अभी भी हो रही है, आप देख रहे हैं कि प्लांट्स मेरे भींगे हुए हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, बरसात के समय हमें प्लांट्स में फर्टिलाइजर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बारिश का पानी प्लांट्स के लिए खुद ही एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी है। शायद ये बारिश के पानी का ही कमाल है कि बिना फर्टिलाइजर के ही इसमें इतने सारे फूल और कलियां आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।